दीपावली का त्यौहार सभी सनातन धर्म के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता है, लेकिन किस प्रकार से पूजन अर्चन किया जाना चाहिए, किन चीजों से माँ लक्ष्मी को इस दिन भोग लगाना चाहिए और किन स्त्रोतों का पाठ करना चाहिए, सही पूजन विधि क्या होनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं इंदौर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कपिल महाराज। दीपावली के दिन की जाने वाली जो पूजाएं रहती है उसमें मुख्यतः हम लोग लक्ष्मी माता को प्रसन्न करते हैं कि हे लक्ष्मी आप हमारे घर में प्रविष्ट करें, मगर सुलक्ष्मी के रूप में आए। कुलक्ष्मी जो रहती है हमेशा घर के बाहर रहें और सुलक्ष्मी के रूप में आए ताकि हम लोग हमारे घर में उन्नति प्रदान कर सकें। इसलिए आप देखना दीपावली के दिनों में हर कोई अपने घर में साफ सफाई और आदि रंग रोगन का कार्य करता है कि जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे घर से निकल जाए और हमारे घर में सुलक्ष्मी की प्राप्ति हो। और सुलक्ष्मी आए भी कैसे, तो गजेंद्र के साथ में आए, गज पे आरूढ़ होकर आए। तो जब गणेश जी के साथ में वो लक्ष्मी आती है तो हमेशा व्यक्ति के जीवन में उन्नति प्रदान करती है और व्यक्ति को हमेशा जी जीवन में उन्नति प्रदान करवाती है। और दीपावली के मेन पूजन के अंदर हमें किन किन चीजों को रखना चाहिए इस चीज को समझना चाहिए। दीपावली पर जो हम लोग कलश स्थापित करते हैं उस कलश के अंदर भी हमें एक चांदी का सिक्का या अगर आपके पास नॉर्मल सिक्का भी हो, जो नहीं कर सकता है उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ, वो सिक्का उसके अंदर रखना चाहिए ताकि आपके पास लक्ष्मी जो आए वो हमेशा कलश भरकर आए। हमेशा उसके अंदर कलश के अंदर सिक्का रखना चाहिए, एक सुपारी रखनी चाहिए ताकि उसके अंदर गणेश जी का भी वास हो और उसके चारों कोनों पे तिलक लगाना चाहिए ताकि हमारे घर में वेद बुद्धि प्रदान हो। इसलिए चारों देवताओं चारों दिशाओं के देवता वेद बुद्धि कही गई है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद ये चार कहे गए हैं। दूसरा, लक्ष्मी जी को जब भी हम लोग भोग लगाएंगे तो उसमें मुख्यतः कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। भोग के समय लक्ष्मी जी को खीर अति प्रिय है तो आप केसर युक्त खीर बना सकते हो लक्ष्मी जी के लिए। लक्ष्मी जी को सीताफल अति प्रिय है, अनार प्रिय है, सिंघाड़ा प्रिय है, बेर आंवला इमली ये लक्ष्मी जी को अति प्रिय कहे गए हैं। इनको जब हम लोग भगवान को लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं, देखिए कहा गया सीताफल जब व्यक्ति खाता है तब उसको डायरेक्ट खाना चालू कर देता है, उसको गिनता नहीं है। उसी प्रकार से जीवन में जब भी लक्ष्मी आती है तो व्यक्ति उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चालू कर देता है। तो ये लक्ष्मी जी के मुख्यतः फल कहे गए हैं जिसको लक्ष्मी जी को अति प्रिय कहे गए। लक्ष्मी जी को धानी आपने देखा हुआ गेहूं से बनी हुई रहती है बाली, तो वो जो धानी रहती है उससे सहस्त्र नामा वाली से अभिषेक करना चाहिए लक्ष्मी जी का उस दिन, तो आप देखेंगे लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी दीपावली के दिन हमें अष्ट महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप लक्ष्मी को बुलाओ तो नारायण सहित बुलाओ, क्योंकि नारायण सहित आने वाली लक्ष्मी जो रहेगी सदैव आपके जीवन में टिकी रहेगी। इसलिए जब भी आप लक्ष्मी का आह्वान करें तो बिना नारायण के साथ आह्वान न करें। और लक्ष्मी पर किए जाने वाले टोटके जो रहते हैं दीपावली के दिन, वैसे तो कहा गया है कि दीपावली की रात ही पूरी रात, उसके दिन आप जितने लक्ष्मी को प्रयोग करना चाहें वो सारे प्रयोग आप कर सकते हैं। दीपावली के दिन जो मेरु यंत्र कहा जाता है, जिसको श्री यंत्र कहा जाता है, उसको आप हल्दी से श्री सूक्त का पाठ करते हुए हल्दी से अभिषेक करिए तो आप देखेंगे उससे भी लक्ष्मी की प्राप्ति के योग बनते हैं। दीपावली की रात को व्यक्ति को कम से कम ब्रह्म मुहूर्त तक सोना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जो रहती है उनका जो संध्या काल के समय से ही वो अपने द्वार से प्रस्थान जब करती है तब हर किसी के द्वार पे जाती है, तो क्या पता किस रूप में लक्ष्मी आपके द्वार पे भी आ जाए। इसलिए उस दिन जागरण या माता लक्ष्मी के नाम का उच्चारण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार से दीपावली के दिन को बड़ा ही विशेष तौर पर मनाया जाता है। और पूर्व काल में आपने ये भी देखा होगा बहुत से ऐसे व्यापारी वर्ग रहते थे जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूजन कार्य आरंभ कर दिया करते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात के अंत तक लक्ष्मी का वास रहता था। केवल कुछ घड़ी के लिए नहीं, जो आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि व्यक्ति केवल कुछ घड़ी के लिए मुहूर्त का वो देखकर पूजन करते हैं, तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात के मुहूर्त के अंत तक उस दिन पूरा दीपावली का दिन कहा जाता है। और उस दिन पूर्णतः आप अपने घर में दीपावली का उत्सव मनाइए, यही आशा करता हूं, यही आप लोगों को शुभाशीष है और आपको पूर्व में दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बोलना है।